श्री रामचरित मानस कथा प्रेमियों को जय शिया राम 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 श्री रामचरितमानस लंका कान पढ़ रहे हैं अवश्य अवश्यवण करे, करें यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सपोर्ट करें श्री राम जी ने कहा हे भाई सुनो तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है ये बात सच है पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है तपस्वी के बेस में क्रस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूँ मैं तुमसे निहोरा या अनुरोध करता हूँ यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊँगा छोटे भाई भरत की प्रीत का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है श्री रामचंद्र ने फिर कहा हे विभीषण तुम कल्प भर राज करना मन में, में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं महावीर वीरनो हनुमाना राम जास जस आप बखाना सुनत विभीषण बचन राम के हरख गए पद कृपा धाम के बानर भालु सकल हर साने गये प्रदुपद गुण विमल बखाने श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उसके निर्मल गुणों का बखान करने लगे बहुरे विभीषण भवन सिधायो मनिगन बसन विमान भरायो ले पुष्पक प्रभु आगे राखा हंस कर पास सिंधु तब भाषा फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मड़ियों के समूहों रत्नों से और वस्तुओं से विमान भर लिया फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा तब कृपा सागर श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा चढ़ विमान सुन सखा विभीषण गगन जाय बरखौ खो खट भूषण नव पर जायिभीषण तब ही बरस दिए मनी अंबर सब ही हे सखा विभीषण सुनो विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्तु और गहनों को बरसा दो तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियो और वस्तुओं को बरसा दिया जोई जोई मन भाव सोई ले ही मन सुख मेले डार कप दे ही। हसे राम श्री अनुज समेता परम कौत की कृपा निकेता जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही ले लेता है मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं ये तमाशा देकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे महावीर बिरनो नो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना मुनि जही ध्यान न पावही नेत नेत कहबेत कृपा सिंधु सुई कपिन सन करते अनेक विनोद जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते जिन्हें वेद नीत नेत कहते हैं वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं उमा जोग जप दान तप ना नामक व्रत नेम राम कृपा नहीं करें तस जस निषकेवल प्रेम शिव जी कहते हैं हे उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं पट पटभूषण पाए परिहरे परिहरे रघुपत पहियाए नाना जिनस देख सब सबकी सा पुनि पुन हंसत कोशलाधी सा भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए अनेकों जातियों के बानरों को देकर कोसलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं चितई सबन पराया बोले मृदुन मृदुल बचन रघुराया सबन पर दाया बोले मृदुल बचन रघुराया तुम्हारे बल में रावण तिलक विभीषण कह पुन सारो श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृश्य देकर सब पर दया की फिर वे कोमल बचन बोले हे भाइयों तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर भी का रा तिलक किया निज निज गह अब तुम सब जाहू सुमिर मोह डर पहुँचन काहू सुनत बचन प्रेमा कुल बानर जोर पान बोले सब सादर प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा हमरे होत बचन सुन मोहा दीन जान कप किये सना था तुम त्रिलोकईस रघुनाथा प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है पर आपने वचन सुनकर आप पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है हे रघुनाथ जी आप तीनों लोगों के इधर ईश्वर हैं हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृता किया है सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही मसक कहो खगपत हित करही देख राम रुख रीछा प्रेम मगन नहीं गह कह ईछा प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं श्री राम जी का रुख देख कर रीछ बाना पे में मग्न हो गए उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है जय श्या